चंदा सूरज की ज्योति बन चमक रहे आकाश में, कृष्ण सुदामा जैसी कोई कथा नहीं इतिहास में। अमर मित्रता की मिसाल हम कहीं न पाते हैं, अमर मित्रता की मिसाल हम कहीं न पाते हैं। कृष्ण सुदामा के जीवन की झलक दिखाते हैं, सुदामा दीनहीन कंगाल कृष्ण दुखियों के दीन दयाल। अमर मित्रता की मिसाल हम कहीं न पाते हैं, ओ कृष्ण सुदामा के जीवन की झलक दिखाते हैं, सुदामा दीनहीन कंगाल कृष्ण दुखियों के दीन दयाल। भगवान कृष्ण ने कंस के कारागार में, पलने लगे नंद के आंगन माँ यशोदा के प्यार में। इधर सुदामा जन्मा जिस पर धीरी घटाएं काली थी, आंख खुली बालक की तो माता ने आंख फिरा ली थी। इधर कृष्ण जिस पर सारे गोकुल का प्यार बरसता था, उधर सुदामा एक बूंद पाने को प्यार तरसता था। फिर कान्हा को कुटिल कंस ने छल से मथुरा बुलवाया, जहाँ प्रभु ने पल भर में यमलोक नीच को पहुँचाया। दीन सुदामा जिसके मुख पर दिव्य ज्ञान का दीप जले, गुरु सांदीपनि संग उसे लेकर आश्रम की ओर चले। और इधर बलराम कृष्ण भी गुरुकुल जाते हैं, कृष्ण सुदामा के जीवन की झलक दिखाते हैं, सुदामा दीन दीन कंगाल कृष्ण दुखियों के दीन दयाल। सुदामा दीन दीन कंगाल कृष्ण दुखियों के दीन दयाल। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मां सरस्वती नमः, मां सरस्वती नमः, मां वीणा पाणी सरस्वती की तुम सब पर सदैव अनुकंपा बनी रहे। गुरुदेव कहो सुदामा, निर्भय होकर कहो। गुरुदेव जब से सुना है श्री कृष्ण पढ़ने के लिए यहाँ पधारने वाले हैं, मन अधीर है कब वे यहाँ आए और उनके दर्शन करूं। हरे कृष्ण, तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भावना का जागृत होना भी श्री कृष्ण की ही लीला है। पिताजी क्या सचमुच श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था? अवश्य उठाया था, पर दुखभंजन श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाकर गो माताओं के साथ ब्रजवासियों की भी रक्षा की थी। फिर लोग गदगद होकर बोल उठे, गोवर्धन गिरधारी की जय। जय हो गुरुदेव की जय हो, वंदनीय गुरुदेव संदीपन जी की जय हो। कल्याण मस्तु, वसुदेव जी का स्वागत हो। गुरुदेव ये हमारे सुपुत्र श्री कृष्ण बलराम विद्या अध्ययन के लिए आपके चरणों में उपस्थित हैं। किन करों का गुरुदेव को प्रणाम। समस्त संसार जिनके चरणों में है
वे मेरे चरणों में आहो भाग्य। गुरुकुल में फिर मित्र मिलन की ये पहली बेलाए, चकित भ्रमित रह गया सुदामा, छवि मोहन की मन भाई, एक तरफ था खड़ा भक्त और एक तरफ उसका भगवान, ऐसा लगा सुदामा को जो जन्म जन्म की हो पहचान। एक मित्र दूजे को बढ़कर गले लगाते हैं, कृष्ण सुदामा के जीवन की झलक दिखाते हैं। सुदामा ही नहीं निकंदाल, कृष्ण दुखियों के दीनदयाल। ओम सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु। ओम सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। माता जी ये क्या? माखन चोर को माखन नहीं मिलेगा तो यशोदा मैया क्या सोचेगी? मेरा कन्हैया बिना माखन के ही रह गया। प्रभु, प्रभु नहीं कृष्ण, आप नहीं तुम, जैसा सुदामा वैसा कृष्ण। सच्चा मित्र कौन है? जो दुख में काम आता है। धन्य हो सुदामा, श्री कृष्ण के सभी प्रश्नों का उत्तर तुमने अति सुंदर दिया। माताजी, माताजी, मेरे सुदामा श्री कृष्ण से कम नहीं। तेरे सुदामा? हाँ हाँ। पुत्र बलराम। कौन? माताजी, क्या करूं, कुंभकर्ण का चरित्र पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। आज तुमने पिता और पुत्री को नया जीवन दान दिया है, ना जाने किस चमत्कार से घोड़े सीधे तुम्हारे पास चले आए। कहीं तुम गोकुल के श्री कृष्ण तो नहीं हो? हाँ हाँ, ये हमारे शिष्य हैं कृष्ण और बलराम। गुरुदेव संदीपन जी, भीष्मक का प्रणाम स्वीकार करो गुरुदेव। कल्याण मस्तु राजन। ये मेरी पुत्री रुक्मणी है, गुरुदेव को प्रणाम करो बेटी। प्रणाम गुरुदेव। दीर्घायु भव। इनका नाम अपने क्या बतलाया गुरुदेव? कृष्ण। गोपियों के कृष्ण? हाँ हाँ। जिनकी मुरली सुनकर राधा बावड़ी हो जाती है और गोपियाँ नाच उठती हैं। और इन्हीं के चमत्कार से तुम्हारे घोड़े लौट आए, देख लिया ना? कि
किंतु मैं कुछ समझी नहीं। बिटिया, लीलाधारी की लीला न कोई समझ पाया है न समझ पाएगा। रुक्मणी, ये क्या? आप पर तो कोई मोतियों की वर्षा करता है, कोई आप पर तीरे लुटाता है, मैंने तो चुप क्यों हो गई? बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं नहीं बताती, मन की बात है। मन की बात? हाँ, और आज मन चाहता है मुरली मनोहर की मुरली सुनने के लिए। मुरली? हाँ, जिसे सुनकर गोपियाँ आनंद में नाच उठती है और राधा अपनी सुध-बुध खो बैठती है। मैं भी तुम्हारी मुरली सुनने के लिए दौड़ी दौड़ी आई हूँ, मुझे भी सुना दो ना। यदि मैं ना सुनाऊँ तो? ठीक है, मत सुनाऊँ, जाके राधा को सुनाना, गोपियों को सुनाना, मैं तो चली। तुझको
कान्हा तेरी मुरली ने मार डाला रे, निर्मोही लटबल से बड़े गया पाला रे, कान्हा तेरी मुरली ने मार डाला रे। जैसे आपके दिव्य स्वरूप की लावण्यता मनमोहक है, उसी प्रकार आपकी मुरली के स्वर मन की बीना के तारों को झनकृत कर देते हैं। ये मुरलीनाद नहीं, ये ब्रह्मनाद था, अनहतनाद था। सचमुच ब्रजवासी बड़े ही भाग्यशाली रहे होंगे। माताजी, अरे पुत्र सुदामा, सब लोग अपने गुरुदेव के साथ पर्यटन के लिए गए, तुम नहीं गए? मैं तो पढ़ रहा था, किंतु आप किस चिंता में खड़ी हैं? पुत्र, आश्रम में केवल एक ही समय की लकड़ियां हैं, इस समय का भोजन तो बन जाएगा, किंतु रात्रि को तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी वन से ले आता हूँ। ठहरो, तुम अकेले ही जाओगे? मैं भी साथ जाऊंगा माताजी। कृष्ण, तुम भी नहीं गए? चला जाता तो सुदामा के साथ कौन जाता? परंतु मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। क्यों माँ, जैसा सुदामा वैसा कृष्ण, हम तो चले। अरे ठहरो, पहले मेरे साथ भीतर आओ। लो ये चने रख लो। जंगल में जब भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना, समझे? अच्छा माता जी। क्या कह रहे थे तुम? तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो। क्या क्या है मैंने तुम्हारे लिए? उस रात जब मैं ठंड से कांप रहा था तो तुमने अपनी चादर मुझे उड़ा दी, भोजन करने बैठे तो अपने भाग का माखन मुझे खिला दिया, और आज ही कड़ी धूप में मेरे साथ लकड़ियां काटने वन में चले आए। बस इतनी सी बात? सुदामा, तुम मेरे मित्र हो, प्रिय सखा। वो मित्र क्या जो मित्र का साथ ना दे? मित्र? मेरे मित्र? कहां तुम एक राजकुमार, कहां मैं दीनहीन ब्राह्मण। मित्रता में राजा रंग ऊंच नीच किसी भी परिस्थिति का बंधन नहीं होता, मित्र मित्र होता है। बचपन में माँ बाप किसी का भी प्यार नहीं पाया, किंतु तुम्हें देखकर उन दोनों का प्यार पा लेता हूँ, तुमसे एक क्षण भी दूर रहने का मन नहीं करता। मेरे मन की परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही है मित्र सुदामा। तुम मित्र मित्र कहते हो, किंतु मेरे मुँह से तो प्रभु ही निकलता है। ऐसा लगता है
कि तुम्हारा नाम ना लूं तो कहीं मेरी सांस ही ना रुक जाए। ये मेरे प्रति तुम्हारे अधिक प्रेम का प्रताप है मित्र सुदामा। कृष्ण सुदामा, 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 कृष्ण सुदामा। शुक्राज, तुम भी हम दोनों का साथ साथ नाम ले रहे हो? ये हमारी मित्रता की साक्षी दे रहे हैं मित्र सुदामा। अरे बात बात में हम वन में पहुंच गए। हाँ चलो सुदामा, लकड़ियां इकट्ठी करें। अच्छा मित्र, किंतु दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो अधिक समय लगेगा। ऐसा करें, तुम इस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ। हाँ ये ठीक है, किंतु चने को संभालना, लकड़ियां इकट्ठी करते करते गिर ना जाए, भूख लगने पर साथ साथ खाएंगे। अच्छा मित्र। रह गए, अभी तक नहीं आए। अरे कृष्णा, कोई उत्तर नहीं, बड़ी भूख लगी है। लो ये चने रख लो, जंगल में जब भूख लगे तो दोनों मिल बांट कर खा लेना, समझे? न जाने इस समय कृष्ण सुदामा किस परिस्थिति में होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी। नाथ, सुदामा, प्रभु, अकेले अकेले क्या खा रहे हो? चने, बड़ी भूख लगी थी, तुम्हें कई बार पुकारा, तुम नहीं आए, लकड़ियां लाने में अधिक समय लगा दिया। अच्छा चलो आश्रम चलते हैं, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। चलो कृष्ण सुदामा, बच्चों तुम आ गए, जैसे अंधे को उसके खोए हुए दो नयन मिल गए। लाओ ये लकड़ियां मुझे दो, और सुनो तुम तुरंत अपनी माता के पास चले जाओ, वो तुम्हारे लिए चिंतातुर हो रही है। देवी, ओ देवी, माता जी। कृष्ण सुदामा तुम लोग आ गए, मेरे प्राण लौट आए। आज मुझे भागन के कारण तुम्हें कितने कष्ट उठाने पड़े। कष्ट नहीं माता जी, कर्तव्य पूरा करने में तो आनंद आ गया। क्यों सुदामा? हाँ माता जी, असीम आनंद आ गया। माता जी इस बात पर क्या? बड़ी भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों, चने दिए तो थे? चने? तुमने चने नहीं खाए? चने तो मैंने खा लिए माता जी। तुमने अकेले? हाँ माता जी, श्री कृष्ण मुझसे बहुत दूर लकड़ियाँ लेने चले गए थे, मुझे भूख लगी, मैंने खा लिए। भूख भूख भूख, सुदामा कृष्ण के बाप के चने खाकर तूने अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है, तू आजीवन दरिद्र रहेगा, अति घोर दरिद्र, यह मेरा श्राप है माता जी। देवी, आवेश में आकर आज ये वज्रघात कैसा किया? सुदामा के जीवन की फुलवारी में आपने दरिद्रता के कंटक बो दिए। माता जी, मेरे सका, मेरे मित्र सुदामा को अपने शाप से मुक्त कर दीजिए, ये मेरी विनती है। नहीं, मैंने अपने प्रभु के प्रति, अपने मित्र के प्रति विश्वासघात किया है, मुझे इसका दंड मिलना ही चाहिए। माता जी, मुझे आपका शाप
स्वीकार है। सुदामा मुझे इतना आशीर्वाद अवश्य दे दीजिए कि मैं त्रिदिता में भी श्री कृष्ण को कदापि न भूल सकूं। सुदामा मेरा आशीर्वाद है, कृष्ण सदा तेरे रहेंगे, सदा तेरे रहेंगे। माँ माँ क्या है बेटे? पिताजी कृष्ण सुदामा बलराम सबके सब कहाँ गए हैं? क्षिप्रा स्नान करने। मैं भी जाता हूँ माँ। नहीं पुत्र, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, कल रात भी तुम्हें ज्वर हुआ है। किंतु माँ। अच्छे बालक हट नहीं करते, चलो विश्राम करो। कहाँ है वो गंगो चलाने वाला ग्वाला? कहाँ है वो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण? कहाँ है? बहुत दिनों से तुझे मैं ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है कृष्ण? कृष्ण कौन हो तुम? पातालपति दानवराज पांचजन्य। दानवराज पांचजन्य यहाँ? हाँ, आज मैं तुम्हारे कृष्ण का गला घोंटकर अपने मित्र राजा कंस की मृत्यु का बदला चुकाऊंगा। कृष्ण यहाँ नहीं है। तुम झूठ बोलती हो। मैं कदापि झूठ नहीं बोलती, कृष्ण आश्रम में नहीं है। नहीं, आश्रम के भीतर ही है। मैं आज उसकी चाल चलने नहीं दूंगा। कृष्ण नहीं, मेरा लाल है। यशोदा के लाल को अपना लाल बताती है, देखती नहीं उसके हाथ में बांसुरी है। सिर पे मोर मुकुट है। क्यों रे माखन चोर, मुझे देखकर हंसता है? क्या है क्या पांचजन्य? विश्वास कर, ये मेरा ही पुत्र है। मेरी आंखों में धूल लोकती है, ये तेरा पुत्र नहीं, ये कृष्ण है। बहुत रुपया है। माँ छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बच्चे, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे बच्चे। माँ माँ मेरे लाल। छोड़ दे मेरे बच्चे को। क्या हुआ पुनर्दत्त को? बोलो माँ, कहाँ है पुनर्दत्त? अत्याचारी दानव पांचजन्य मेरे लाल को उठाकर ले गया। पांचजन्य? हाँ देव, वो श्री कृष्ण को मारने आया था, परंतु मेरे लाल को ही कृष्ण समझकर ले गया। मेरे ही कारण मेरे गुरु भाई का अपहरण हुआ। माँ विश्वास रखो, मैं उस पर तनिक भी आंच ना आने दूंगा। पांच जन्य को छठी का दूध याद दिलाकर हम अभी पुनर्दत्त को लेकर आते हैं। काल की गोद में मैं चलाता हूँ। क्यों?
तुम्हारी कड़क से तुम ही डर गए। लो संभालो। कहीं अधिक चोट तो नहीं लगी मास्टर जी? जी आपकी नाक तो ठीक ठाक है ना? मामा जी मुझे लेने आए हैं, उसे बात नहीं करोगी, रूठी रहोगी? अच्छा जैसे तुम्हारी इच्छा। ठहरो सुदामा, क्या तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ सुशीला, केवल मैं ही नहीं श्री कृष्ण बलराम भी अपने पिताजी के साथ मथुरा जा रहे हैं। मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें मुझे स्मरण करोगे ना? अब तो श्री कृष्ण का नाम ही स्मरण करना है। गुरुदेव हम किंकरों की जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। भूल और जगत के पालनहार से, ये तो आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। आप अपने कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं, इसका हमें बड़ा आनंद है, किंतु दुख इस बात का है कि आप हमसे बिछड़ रहे हैं। गुरुजी, सुदामा, श्री कृष्ण मित्रता के डाली के दो पुष्प, एक पावन और एक कोमल। विद्या अध्ययन समाप्त हुआ, लो विदा की बेला आई। बिछड़ रहे हैं कृष्ण सुदामा, घड़ी बड़ी दुखदाई। कृष्णा, कृष्णा,
स्थापना जग कल्याण का ठीक समय अब आया। मुरली ब्रज में छोड़ सुदर्शन चक्र प्रभु ने उठाया। सुशीला, मैं जा रहा हूँ। उसे बात नहीं करोगी? रूठी रहोगी? अच्छा। नारायण नारायण। यहाँ सुशीला प्रेम के पुष्पों से सुदामा का नाम लिखकर आराधना कर रही है, और वहाँ सुदामा कृष्ण भक्ति में लीन होकर देवर्षि को प्रणाम कुछ भूल गए। देवर्षि, क्या वे प्रभु की भक्ति में लीन होकर मुझे भी भूल गए? इतने वर्षों की मेरी आराधना क्या व्यर्थ हो जाएगी? नारायण नारायण पुत्री, सच्ची आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवर्षि के वचन सूर्य प्रकाश के समान सत्य हैं। जैसे गौरी माँ ने भोलेनाथ को, सावित्री ने सत्यवान को पाया था, उसी तरह सुशीला भी अपने सुदामा को अवश्य प्राप्त करेगी। देवी की वाणी और संदीप जी का प्रयत्न, फिर सुशीला सुदामा का अवश्य होगा मिलन। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, क्या सुदामा? सुदामा भी आपका शिष्य और श्री कृष्ण भी आपका शिष्य। यहाँ वो सुशीला का मंगलाचार, वहाँ रुक्मिणी का। रुक्मिणी का मंगलाचार? नारायण नारायण। राजकुमारी रुक्मिणी के निमंत्रण पर द्वारकाधीश गौरी मंदिर पहुंच भी गए होंगे। धन्य हो द्वारकाधीश, अपना हृदय श्री कृष्ण को अर्पण कर चुके हो। तुमने सदा ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण की है, मुझे विश्वास है माँ। स्वागत करने साला का तो आना ही चाहिए। सावधान दोस्त क्रिस्ट। साला का स्वागत तो सावधानी से ही करना पड़ेगा। तूने हमारी बहन रुक्मिणी का हरण करके हमारे कुल को कलंकित किया है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। करना प्रभु,
नारी जाति का इतिहास कलंकित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि रुक्मणी ने अपने सुख और स्वार्थ के लिए अपने भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। मैं आपसे अपने भाई के प्राणों की भीख मांग रही हूँ प्रभु। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे रुक्मिणी, किंतु रुक्मिणी को इस अपराध का दंड अवश्य देंगे। माँ सरस्वती नमः। सुशीला की पूजा जो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूली, रात दिन तुम्हारा ही ध्यान करती है, तुम्हारे ही नाम की माला जपती है। और मैं प्रभु श्री कृष्ण के नाम की माला जपता रहा। नारायण नारायण, श्री कृष्ण की तो लीला ही न्यारी। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती आदि 8 पटरानियों से ब्याह कर वे द्वारकापुरी की शोभा बढ़ा रहे। द्वारकापुरी की शोभा 8 पटरानियों के साथ? नारायण नारायण, तुम भी सुशीला को अपनी जीवन संगिनी बनाकर अपना संसार सजा लो। मुनिवर, शुभ काम में विचार नहीं करते, उसे पूरा करते हैं। सुशीला यहाँ आओ, आओ आओ। सुदामा, तुम दोनों एक दूसरे को हार पहनाकर अपना जीवन मंगलमय बनाओ। करते हैं दुष्टों का दमन, ये प्रभु जो करते हैं आकाश में गमन, जिनकी वाणी में है मेघों की गर्जन, जिनकी चाल में है बिजलियों की सर्जन, साक्षात आदि नारायण के अवतार, पौंड्र कृष्ण वासुदेव, जगतपति भगवान विष्णु के अवतार, पौंड्र कृष्ण वासुदेव, पूरन ब्रह्म हरि के अवतार, पौंड्र कृष्ण वासुदेव, पधार रहे हैं। महाबली हंस, डिंबक, काशी नरेश, देवों में देव पौंड्र कृष्ण वासुदेव अपने मित्रों का स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। कहिए, किस लिए निमंत्रण देके हमें यहाँ बुलाया? आपके एक संकेत पर हम पवन की चाल बदल देंगे, पृथ्वी आकाश एक कर देंगे, अपना सर्वस्व आप पर निछावर कर देंगे। हम चाहते हैं केवल हमारी प्रजा ही नहीं, सारा संसार हमें आदि नारायण भगवान विष्णु का अवतार माने, हमें जगदीश्वर, देवों में देव भगवान पौंड्र कृष्ण कहें, हमारी पूजा करें, हमारी जय जयकार करें। जो आप चाहते हैं वही होगा। राय का पर्वत बनाना हमारे बड़े हाथ का काम है। समझ लीजिए, आज से आप सारे संसार के भगवान बन गए। सबको आपकी ही पूजा करनी पड़ेगी और जय जय नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता। आप देवों में देव पौंड्र कृष्ण वासुदेव नहीं बन सकते जब तक द्वारकावासी वासुदेव कृष्ण जीवित है। वो चोरों का चोर, वो उधम जाने वाला, वो उत्पाती नंद का बेटा, वो दुष्ट डाकू चाहिए। राजकुमार रुक्मी, सूर्य और दीपक की क्या तुलना? हम हैं सर्वशक्तिमान देवों में देव भगवान पौंड्र कृष्ण वासुदेव, एक साधारण गवाला। मैं भी उसे साधारण ही समझता था, किंतु वो असाधारण निकला। अनेक वीरों के होते हुए उसने मेरी बहन रुक्मिणी का हरण किया, मेरी वीरता को धूल में मिलाकर मेरी ये दशा की। ये देखो रुक्मी, मैं अपने अपमान का बदला चाहता हूँ। हंस, डिंबक, काशी नरेश, यदि तुम वीर हो, यदि तुम इन्हें देवों में देव भगवान पौंड्र कृष्ण वास्तव बनाना चाहते हो, तो उस दुष्ट कृष्ण से मेरे अपमान का बदला लो। हम तुम्हारा बदला अवश्य लेंगे। कृष्ण के साथ उसकी द्वारकापुरी को भी सागर में डुबो देंगे। किंतु
उस छल कपट के अवतार पखंडी कृष्ण को युद्ध भूमि में लाने से पहले ऋषि मुनियों पर अत्याचार करो, उनके आश्रम जला दो, उनके यज्ञ विध्वंस कर दो। समझ गए, उनकी पुकार सुनकर सबकी रक्षा के लिए वो कालिया अवश्य आएगा, हमारे हाथ से मरकर वो यमपुरी पहुंच जाएगा। पांडु श्री कृष्ण वासुदेव ने उस ग्वाले कृष्ण के विनाश का उपाय तो सोच लिया, किंतु उसके नाम का प्रचार करने वाले, उसका नाम दिन रात रटने वाले, उसके परम भक्त सुदामा के बारे में कोई विचार नहीं किया? हम विचार नहीं, निश्चय करते हैं, और जो निश्चय करते हैं पूरा करके रहते हैं। कृष्ण के जीवन में प्रलय हंस और डिंबक लाएंगे, और सुदामा के जीवन में प्रचंड देव। जय चंडिके। मेरी पति तो घर में नहीं है, किंतु वो सुंदर नारी तो है, जिसे देखकर मेरी कल्पना के दीप जगमगा उठे। प्रचंड देव जी, देव का देवी से, पुजारी का प्रतिमा से, चकोर का चंद्रमा से, भौरे का कली से, पतंगे का दीप शिखा से जन्म जन्मांतर का संबंध है सुंदरी। एक विद्वान के मन में ऐसी हीन भावना? ना 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 ना, प्रेम भावना सुंदरी, संसार में प्रेम ही सब कुछ है, जिसने प्रेम किया उसने सब कुछ पा लिया सुंदरी। जिसने चरित्र खोया उसने सब कुछ खोया, झूठे प्रेम का स्वांग रचने वाला नारी की पवित्रता को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। ये नारी का झूठा अहम है जो उसे दुख के अंधेरे में ले जाता है, सत्य का प्रकाश सदा ही उसकी रक्षा करता है, सत्य ही ईश्वर है, परमात्मा है। धन्य हो सुशीला, प्रचंड देव जी, सुशीला ने कितनी महान बात कह दी। जय चंडिके, जय चंडिके, महान को महान ही मिलता है सुदामा जी, सरिता सागर के संगम के समान आप दोनों मिल गए, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद हुआ, इसीलिए आपको बधाई देने चला आया। प्रचंड देव जी आप खड़े क्यों हैं, विराजिए ना। हाँ हाँ, नहीं अब चलता हूँ, बस आपके दर्शन से ही आंखें तृप्त हो गई, किंतु मन फिर आऊंगा आपके दर्शन के लिए, बार बार आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जय चंडिके, जय चंडिके। देवी, प्रचंड देव जी सारे गांव में पूज्य हैं, बड़े विद्वान हैं, मेरे तो वो बड़े शुभचिंतक हैं। मनुष्य की अच्छे बुरे की परख समय आने पर ही होती है। हाँ, समय ही सब कुछ है। कहाँ है द्वारिका जी, कहाँ है पापियों का नाश करने वाले श्री कृष्ण, कहाँ है सत्य और धर्म पर चलने वाले अपने भक्तों के रक्षक चक्रधारी, कहाँ है गौ ब्राह्मण साधु संतों के रखवाले परमेश्वर? महर्षि दुर्वासा, किंकर कृष्ण आपका स्वागत करता है। आप सबके चरण कमलों से द्वारका की धरती पावन होगी, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कृष्ण, आप तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, क्या आप नहीं जानते कि भगवान शंकर का वरदान पाकर दुष्ट हंस और डिंबक ने हमें अपमानित किया है, हमारे आश्रम को उजाड़ दिया, हमसे हमारी गौएं छीन ली, हमारे शिष्यों को मार मार कर उन्हें लवलुहान कर दिया। देखो कृष्ण, देखो। हंस और डिंबक अपराधी ही नहीं, घोर अपराधी है भगवान, उन दोनों दुष्टों ने अपने दूत द्वारा ये संदेश भेजा है, बहुत शीघ्र कृष्ण और बलराम द्वारिकापुरी का समस्त धन और नमक लेकर हमारी शरण में आ जाए। सुन लिया वासुदेव, यदि शीघ्र हंस और डिंबक का नाश नहीं किया गया तो आपके अवतार लेने का प्रयोजन नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी से सत्य और धर्म का सूर्य पाप की काली घटाओं में सदा के लिए अस्त हो जाएगा। कभी नहीं, ऋषि मुनियों पर हाथ उठाने वालों के हाथ तोड़ दिए जाएंगे, उनके रक्त से गोपाल के चक्र और मेरे हल का अभिषेक होगा। भगवान शंकर का वरदान अभिशाप के अंगारे बरसाएगा, युद्ध भूमि में उनके शवों पर काल भैरव नृत्य करेंगे, मृत्यु अट्टहास करेगी। ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले कृष्ण, कान खोल के सुन ले, मैं महाबली हंस अजय हूँ। खेती करने वाले हल्दर, तू भी कान खोल कर सुन ले, मैं वीरों का वीर डिंबक अमर हूँ। कायरों, वीर वीरता दिखाते हैं,
डींग नहीं मारते। सावधान। श्री कृष्ण, धन्य हो बलराम, तुमने इन पापियों का नाश कर समस्त ऋषि मुनियों को निर्भय कर दिया, धर्म की रक्षा कर अपने अवतार लेने का प्रयोजन सार्थक कर दिया, तुम्हारी जय हो। काली घटा जब लहराती है तो लगता है कि सावन धरती पे उतर आया है, और वासना की ज्वाला जलती है तब लगता है पाप धरती पर उतर आया। पाप और पुण्य की परिभाषा मूर्ख करते हैं। सुंदरी, मैं तो केवल एक ही भाषा जानता हूँ, और वो है प्रेम भाषा। लंकापति रावण ने भी पराई पत्नी से यही शब्द कहे थे, और परिणाम आप भी जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सीता नहीं हो, किंतु उनकी चरणों की धूल अवश्य हूँ। उस देवी के सतीत्व के एक किरण मेरे मन में भी समाई हुई है। और मेरे मन में केवल तुम समाई हुई हो। सर्वांग सुंदरी, तुम मेरी झोली में प्रेम के फूल डाल दो, मैं तुम्हारा अचल हीरे मोती से भर दूंगा। प्रसन्न देव जी। सुंदरी, तुम्हारी करीबी मिट जाएगी, मेरी प्यास बुझ जाएगी। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है। मेरे क्रोध से तुम्हारे घर की दीवारें दरिद्रता में और सिसक उठेंगी, कला उठेंगी, तड़प उठेंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। स्वामी, आप आ गए। हाँ, आज भगवान ने कृपा करके जजमान द्वारा सीधा दिला ही दिया। स्वामी, आप मुझसे दूर न जाया करें। नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं, सदा तुम्हारे पास ही हूँ। सुशीला जी, क्या
वो दीपक कुलदीपक कुलदीपक पानी वाला है। देखो तो सही, आठ आठ पटरानियों के संग प्रभु गृहस्थी कैसे निभाते हैं। स्वामी अखंड ब्रह्मचार्य हैं, सदाचार्य हैं, फिर हमारे भवन में ये चोरी चोरी ताक झांक क्यों? देवी, चोर चोरी से जाए, पर हेरा फेरे से न जाए। नारायण नारायण, मुनिवर निरीक्षण करने आए हैं कि हमारी गृहस्थी कैसे चल रही है। लगता है मुनिवर को गृहस्थी का कुछ अधिक आकर्षण हो रहा है। देवर्षि, हमारी बात मानिए और विवाह कर डालिए। विवाह? हाँ विवाह, विवाह में जो आनंद है वो और किसी में नहीं है। प्रभु, प्रभु की बात मानकर विवाह बंधन में बंध जाइए मुनिराज। हाँ, फिर उपटन मैं लगा दूंगी। हाँ तो मैं मेहंदी में रचा दूंगी, आपका श्रृंगार ऐसा कर दूंगी कि युगो युगो तक स्मरण रहेगा। आप सोच क्या रहे मुनिवर? हाँ कह दीजिए ना। हाँ कह दीजिए ना, मान जाइए ना मुनिराज। क्षमा कीजिए देविया, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, एक बार आपकी माया में वश होकर दूल्हा बना तो बंदर का रूप पाया, अब मैं ऐसा ही भला। नारायण नारायण। अरे अरे, ये क्या कर दिया, मटका तोड़ दिया क्या? यहाँ मुझे दे, मुझे दे। नटखट बचपन कहाँ मानता है। ओ, ना, 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 ना। ज्ञान और दया दोनों ही हमारी आंखों के तारे हैं, घर के उजाले हैं। देखो तो। हाँ, आज इनके नन्हे नन्हे पांव हमारी गोद में है, कल आंगन में दौड़ेंगे और कली से फूल बनकर मुस्कुराएंगे। कन्हैया कन्हैया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ एकांत में। जानते हो कल क्या है? क्या है बड़े भैया? घट घट वासी होकर भी मुझसे पूछते हो क्या है? श्याम सुंदर, कल मंगल पर्व है। मंगल पर्व? बड़े भोले बन रहे हैं मेरे देवर जी, कल मंगल पर्व है, तुम्हारा जन्म दिवस जन्माष्टमी। बड़े भैया की आज्ञा हो तो प्रति वर्ष के अनुसार ये जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई जाए। हाँ हाँ, अवश्य धूमधाम से मनाई जाएगी। और जन जन के होठों पर नाम होगा गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण, गोपाल गोपाल, पांडे कृष्ण वासुदेव, पांडे कृष्ण वासुदेव, गोपाल गोपाल, पांडे कृष्ण वासुदेव, पांडे कृष्ण वासुदेव, गोपाल गोपाल कृष्ण, गोपाल गोपाल। दुष्ट का नहीं, हमारा नाम लो। हम हैं देवों में देव, भगवान पांडु कृष्ण वासुदेव। नारद, अपनी वीणा पर हमारे गुणगान गाओ। आपके गुणगान? नारायण नारायण। नारद, जिस नारायण की तुम माला जपते रहते हो, हम उसी के साक्षात स्वरूप हैं। हिरण्यकश्यप को मारने वाले नरसिंह भगवान हम हैं, रावण का संहार करने वाले भगवान राम हम हैं, और अब इस पृथ्वी का भार उतारने वाले हम हैं भगवान पांडु कृष्ण वासुदेव। नारायण नारायण। आज तो आदि नारायण के अवतार श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी। द्वारका में महान उत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ तो नारायण नारायण। मुनिवर, हम उस ग्वाले कृष्ण से बढ़कर जगदाधार भगवान पांडु कृष्ण वासुदेव का जन्मदिन मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, सारा संसार देखते रह जाएगा। जन जन के मुख पर सबको धन्य धन्य करने वाले परम सत्य भगवान विष्णु के अवतार पांडु कृष्ण वासुदेव का नाम होगा। यदि किसी ने तुम्हारे भगवान पांडु श्री कृष्ण वासुदेव का नाम नहीं लिया तो उस विद्रोही नराधम की जिब्बा काट दी जाएगी। राजशक्ति के महायज्ञ में उसके प्राणों की आहुति दी जाएगी।
सर्वशक्तिमान भगवान पौंड्रक कृष्ण के सामने समस्त प्राणी मात्र को झुकना होगा। नारायण नारायण प्रचंड देव, यह न भूलो, असत्य को झुकना पड़ता है, सत्य को नहीं। और सत्य का प्रतीक है श्री कृष्ण भक्त सुदामा। वो भिक्षुक सुदामा, वो दरिद्र कंगाल सुदामा। नारायण नारायण प्रचंड देव, देवों में देव भगवान पौंड्रक कृष्ण वासुदेव, तुम्हें नारद के सत्य को झुकाना होगा। सुदामा के लिए जन्माष्टमी आनंद की नहीं विनाश की अष्टमी बन जाए। हमारे क्रोध के दावानल में उसका परिवार, उसका सर्वस्व जलकर राख हो जाए। उस भिखारी को बता दो कि वो कृष्ण कुछ नहीं, हम ही हैं सर्वव्यापी। देवों में देव पांडु कृष्ण वासुदेव। Thank you.
सुदामा की झोपड़ी को आग लग गई। क्या? सुदामा की झोपड़ी को आग लग गई। आग लग गई? हमारी झोपड़ी में आग लग गई? हे भगवान, अब क्या होगा? क्या रोते हैं तुम्हें सोता हुआ अभी तक छोड़कर चली आई थी? क्या? गया मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मैं आ रही हूँ। सुशीला, क्या हो गया? मैं आ गई हूँ। सुशीला, ये क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? छोड़ दो मुझे गौरी बहन, वो अपनी बच्चों को अपनी आंखों के सामने जलते हुए नहीं देख सकती। छोड़ दो मुझे, नहीं दया, स्वामी, 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 हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसी कठिन परीक्षा है ये, स्वामी। सुदामा, मित्र सुदामा। क्या हुआ सुदामा को? ये क्या आग के शरीर पर जलने के चिन्ह? तुम स्वयं शक्ति हो, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, झोपड़ी जल के राख हो गई, बच्चे भी साथ में जल के राख हो गए, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली सुदामा, धिक्कार है तुम्हें। प्रचंड देवजी चुप हो जाइए, अपने पति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द मैं नहीं सुन सकती। तो कह दो अपने पति से कि कृष्ण कृष्ण की रटना बंद कर दे, तो पूछे अपने द्वार का दीश से कहां गई उसकी शक्ति, निर्दोष बच्चों को क्यों जला दिया, अपने भक्त की झोपड़ी में क्यों आग लगा दी, मुंह क्या देख रहे हो सुदामा, उत्तर दो। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अपने आप को धोखा मत दो सुदामा, हमारा कहना मानो, द्वार का दीश श्री कृष्ण का नाम छोड़कर हमारे भगवान पौंडरक कृष्ण वासुदेव की शरण में आ जाओ। कल झोपड़ी के बदले महल खड़ा होगा, सूखी रोटी के बदले हलवा पूरी, लत्ते कपड़े गहने दास दासियां, समस्त संसार का सुख तुम्हारे चरणों में लौटता होगा सुदामा। बोलो सुदामा, सुदामा बोलो, भगवान पौंडरक कृष्ण वासुदेव की जय। द्वारिकाधीश की जय। झोपड़ी तो क्या, यदि कल यह शरीर भी जलकर राख हो जाए तो उस राख के ढेर से एक ही शब्द निकलेगा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तुम केवल मूर्ख नहीं सुदामा, महामूर्ख हो, तुम पति धर्म का भी पालन नहीं कर रहे हो, अपने साथ साथ इस देवी की दुर्दशा क्यों करते हो? प्रचंड देव, हमारी विश्वास की दीवार मिट्टी की नहीं पत्थर की है, आपके प्रलोभनों के आघात से नहीं गिरेगी, सोना पिघलने पर भी अपना रंग नहीं छोड़ता, गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, आप यहाँ से पधारने की कृपा कीजिए। क्या? आप यहाँ से पधारने की कृपा कीजिए। ये हमारा नहीं, भगवान पौंडर कृष्ण वासुदेव का अपमान है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आओ। समझ गई प्रभु, किंतु आपके जन्मदिन पर सुदामा के जीवन में वज्रपात हो गया, उसका सर्वस्व चला गया। रुक्मिणी, होनी हर पल अपना रंग दिखाती रहती है, मित्र सुदामा के अकेले में ही सारे चनखाना। मीनाक्षी, उर्वशी, आज मेरे द्वारकाधीश आने वाले हैं। जाने कहां रह गए, अब तो एक एक पल एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। नारायण नारायण, सचमुच प्रतीक्षा की घड़ियां। प्रणाम देवर्षि। काटे नहीं कट, किंतु
ने भी सत्यभामा। रुक क्यों गए मुनिवर, बताइए ना। नारायण नारायण, तुम पटरानी, वे पटरानी की भी पटरानी। कौन, रुक्मिणी दीदी? उनकी प्रेम कथा समाप्त हो तब तुम्हारी आरंभ हो। देवर्षि, कितना अच्छा होता यदि द्वारकेश सदा के लिए केवल तुम्हारे ही हो जाते। देवर्षि, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही चाहती हूँ, सदा मेरे रहे, मेरे ही बने रहे। नारायण नारायण। देवर्षि, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, बताइए ना कोई उपाय। उपाय? हाँ हाँ। नारायण नारायण, जैसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती, वैसे ही मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ता है। त्याग? अर्थात दान। दान? मेरे स्वामी का? ये आप क्या कह रहे हैं? इसी में तुम्हारा कल्याण है, प्रभु को पाने का तुम्हारा ध्येय छिपा हुआ। देवर्षि, आपने तो मुझे अचरज में डाल दिया। इसमें अचरज में पड़ने की कौन सी बात है, भगवती उमा ने भी मेरी बात मानकर भोलेनाथ का दान कर दिया था। देव माता अदिति ने भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने पति महर्षि कश्यप का दान कर दिया था। यह तो कल्याणकारी दान की परंपरा है, विश्वास है तो करो, नहीं तो ना आ रहा है। ठहरिए देवर्षि, मुझको आप पर पूरा विश्वास है। सत्यभामा, जिसने देवर्षि पर विश्वास किया उसका बेड़ा पार हो गया। नारायण नारायण। स्वामी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कोई अनोखी मांग तो नहीं? अनोखी हो या निराली, आप हाँ कर दीजिए ना, मेरा भी तो आप पर कुछ अधिकार है। अवश्य है, बोलो क्या मनोकामना है तुम्हारी। मैं आपको दान करना चाहती हूँ। दान? हाँ हाँ। मेरा दान? हाँ। नारायण नारायण, मुझे स्वीकार है। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली? मुनिवर, मेरे प्रभु ने मेरी बात मान ली। तुरंत दान महाकल्याण। अब दान लेने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को शीघ्र ही बुलवा लीजिए। देवर्षि से बढ़कर और कौन योग्य ब्राह्मण मिलेगा, अखंड ब्रह्मचारी ब्राह्मण। प्रभु कृपा करके मुझे इस चक्कर में मत डालिए। मुनिवर, जब भगवान ने मेरी बात मान ली तो आप भी मान जाइए ना। प्रभु। नारद जी। नारायण नारायण। देवी, प्रभु को लेकर शीघ्र ही कल्प वृक्ष के सन्मुख चलिए। मेरे स्वामी, जन्म जन्मांतर केवल मेरे ही बने रहें, इस हेतु इस कल्प वृक्ष के सन्मुख, इस कल्प वृक्ष के सन्मुख मैं मुनि नारद जी को अपने पति श्री कृष्णचंद्र का दान करती हूँ। मैं मुनिवर नारद जी को अपने पति श्री कृष्णचंद्र जी का दान करती हूँ। कल्याण कल्याण कल्याण। स्वामी, मेरे स्वामी। अब ये तुम्हारे स्वामी नहीं रहे, मेरे सेवक है। सेवक? हाँ सत्यभामा, दान में देने के कारण ये मेरे सेवक है और मैं इनका स्वामी। स्वामी? आप प्रभु के स्वामी? अब इन्हें यही करना होगा जो मैं कहूंगा। सेवक राम। हाँ स्वामी। लो ये वीणा और खड़ताल और चलो मेरे साथ साथ, बोलो नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर, पधारिए। नारायण नारायण। ये क्या प्रभु, आप? सुदर्शन चक्र और मुरली की जगह आपके हाथ में वीणा और करताल, ये कैसी माया है? ये माया नहीं देवी, माया नहीं, काल चक्र में मन भर माया। स्वामी की आज्ञा पालन करना ही सेवक का धर्म है। नारायण नारायण। धर्म, स्वामी, सेवक, ये कैसे पहले है? ये पहली नहीं देवी रुक्मिणी जी, ये सत्य है। सत्यभामा जी ने प्रभु को मुझे दान में दे दिया है। दान में? हाँ, क्योंकि सदा के लिए वो उनके बने रहे, आपके नहीं। आपके लिए तो अमंगल ही अमंगल है। नहीं मुनिवर, प्रभु जो भी करते हैं उसमें मंगल ही मंगल है। ये तो कभी समय का फेर है और कभी समझ का। सेवक राम,
मिलने का समय समाप्त। चलो नारायण 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 नारायण। यदि स्वामी की आज्ञा हो तो मैं जामवंती कालिंदी मित्र वृंदा इत्यादि से मिल लूं? कदापि नहीं। 8 पटरानियां और 16,100 और रानियां। द्वारकाधीश बनने का अर्थ ये नहीं कि तुम चाहे इतने ब्याह कर लो। आज दिन तक तुम ग्रस्त बने रहे, अब मेरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। हाँ स्वामी। बोलो सेवक राम। नारायण 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 नारायण। माँ खाना दो, बड़ी भूख लगी है, खाना दो। माँ खाना दो, माँ खाना दो, बड़ी भूख लगी है, खाना दो। बेटा सभी हंडिया खाली है, अब हम क्या खाएंगे? बोलो माँ, अब हम क्या खाएंगे? हमें खाना तो खाना। देखो माँ, बड़ी भूख लगी है, देखो मेरा पेट। मेरे बच्चे, स्वामी स्वामी सुन रहे हैं बच्चों की करुण पुकार? हमारे ज्ञान और दया, दोनों बच्चे पहले ही दरिद्रता की भेंट चढ़ गए और अब उसी दरिद्रता में इन दोनों के प्राण भी छटपटा रहे हैं। श्री कृष्ण जिनके जन्म दिवस पर हमारा सर्वस्व अग्नि की लपटों में जलकर स्वाहा हो गया, आपके बचपन के मित्र द्वारकाधीश के होते हुए भी हमारे जीवन संग्राम में दरिद्रता अट्टहास कर रही है। स्वामी स्वामी, केवल कृष्ण कृष्ण रटते रहने से बच्चों के पेट नहीं भरते। स्वामी बच्चों के पेट नहीं भरते। अंतर्यामी श्री कृष्ण ही मेरे सर्वेश्वर हैं। और आपके ही बच्चे ये भी मेरे प्रभु के रूप है। सारा जगत ही कृष्णमय। मानती हूँ, किंतु क्यों भूल रहे हैं स्वामी, जिस जगदाधार ने जगत की रचना की उसमें केवल भक्ति ही नहीं कर्म भी प्रधान माना गया है। भक्ति के साथ साथ कर्तव्य की भी कुछ विशेषता है। कर्तव्य? हाँ नाथ, मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति जितनी आवश्यक है, माँ बाप के लिए अपने संतान का पालन करना उतना ही आवश्यक है। सुशीला। माँ खाना। मेरे बच्चों, इन फूल से बच्चों की एक एक आंसू मेरे हृदय को छलनी कर रहा है। माँ की ममता की ज्योत दुखी जंजावत में कांप रही है। कुछ कीजिए स्वामी, कुछ कीजिए। सुशीला, तुमने मेरे भक्ति के कलश पर कर्तव्य का दीप जलाकर मुझे सन्मार्ग दिखा दिया। मैं अभी यजमान के घर जाता हूँ। स्वामी। नहीं नहीं सुदामा, मुझे तुम्हारी कथा नहीं सुननी है। क्या तुम नहीं जानते कृष्ण का नाम लेने वालों को मार मार कर बलपूर्वक उनसे कहलाया जाता है, जय पौंड्रिक कृष्ण, जय भगवान पौंड्रिक वासुदेव। किंतु यजमान जी। अरे मुझे अपने प्राण नहीं गंवाने हैं, अपने बच्चों को भूखों नहीं मारना है। मेरी बात मानो, यदि भूख से अपने परिवार को बचाना है तो भगवान पौंड्रक की कथा सुनाओ, नहीं तो जाओ, चले जाओ। श्री कृष्ण। श्री माँ खाना। धीरज रखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी शीघ्र ही प्रभु का प्रसाद और फल लेकर आएंगे। पिताजी। घनश्याम 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 घनश्याम। मेरे प्राण छूटे न छूटे तेरा नाम। घनश्याम घनश्याम। Yeah.
छूटे न छूटे तेरा नाम, तू ही पार लगाता कोई आता न काम। दुख का तू ही नाच नचैया, नाच नचैया, ओ सागर का तू ही खिवैया, तू ही खिवैया, हर जीवों के सांस में तू ही करता धरता कृष्ण कन्हैया। तेरा नाम गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण। तेरा नाम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण। नाम हरि का सच्चा धन है, झोली भर ले प्यारा रतन है, संतों से यही ज्ञान मिला है, रचा हरि ने सारा चमन है। तेरा नाम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण,
गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोपाल कृष्ण 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 बच्चों, बच्चों देखो देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण मेरे बच्चों। स्वामी, कथा में जो भी मिला है शीघ्रता से बच्चों को दे दीजिए। सुशीला, आशा के पुष्प लेकर गया था किंतु निराशा के किंकर भी हाथ नहीं लगे। स्वामी। हाँ सुशीला, यजमान भी मेरे श्री कृष्ण के नहीं राजा पौंडर की कथा सुनना चाहते, उनकी दृष्टि में वही भगवान। माँ, अब हम क्या खाएंगे? बच्चों को आज एकादशी सही। एकादशी? नहीं नहीं नहीं, दो दिन से अन्न का एक भी दाना बच्चों के पेट में नहीं गया और आज फिर एकादशी। नहीं नहीं, गौरी बहन। आओ सुशीला, मन ही मन तुम्हें ही याद कर रही थी। आज सुदामा भैया ने कितना मधुर भजन गाया। गाया होगा, दो दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। दया करके दो मुट्ठी आटा दे दो बहन। अभी लाइए। हाँ, है। ये लो। बहन, तुमने तो दया दिखाई पर मेरी निर्धनता का आंचल दया का बोझ न संभाल सका। अरे 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 अरे, सेवकराम सेवकराम, ये तुमने क्या कर दिया? आटा गूंदने के बदले उसकी लपसी बना दी। पानी थोड़ा अधिक पड़ गया स्वामी। मुझे लगता है तुम गोपियों के साथ नाचने गाने के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं कर सकोगे। ठीक है, आटे को धूप में रख देना, सूख जाने पर बाटी बना लेना। अच्छा अच्छा, दाल चढ़ा दिए, मैं स्नान करके आता हूँ। जिसने कभी फूंक मार कर दिया तक नहीं बुझाया उसे आज चूल्हा फूंकना पड़ रहा है, इसे कहते हैं भावी। ए पाक शास्त्र, ए चूल्हा फुकंतो पानी पिलाओ, ए चूल्हा फुकंतो पानी पिलाओ। सानी खिला, सानी तो पशु खाते हैं महाशय जी। सानी? अरे भूसे वाला सानी नहीं, पानी पिला। ओहो, पानी पानी। क्षमा कीजिए महाशय जी, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ। लीजिए। ए, हमने तुमसे पानी मांगा, तुमने हमें खाली दोना थमा दिया। मैं भला आपको कैसे खाली दोना थमा दूंगा। पीजिए पीजिए। हाँ, जीव जब तृष्णा से व्याकुल हो जाता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसे सामने की वस्तु भी दिखाई नहीं पड़ती। ए चूल्हा फुकंतो, छोटे मुंह बड़ी बात अच्छी नहीं लगते, हमें ज्ञान सिखा रहा है मूर्ख। हम हैं देव में देव पांडुरो कृष्ण वासुदेव। हुँ।
का घोड़ा अधिक बुद्धिमान है, आभार प्रदर्शित करने स्वयं लौट आया है। चुप रहे, हम पर कटाक्ष करता है मोर। हम हैं देवों में देव, पुंडर कृष्ण वासुदेव। हम किसी का आभार नहीं मानते, किसी को धन्यवाद नहीं देते। वैसे तेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली है। हमारी रंगशाला में स्त्री की भूमिका करने वाला कोई नहीं। तुम आ जाना, हम तुम्हें रखवा देंगे। अरे पौंड्रक, जिसकी रंगशाला में सारा विश्व तन्मय होकर नाच रहा है, वो श्री कृष्ण को अपनी रंगशाला ले जा रहे हो? क्या कहा श्री कृष्ण? ये श्री कृष्ण है? नहीं 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 नहीं, स्वामी के बातों में मत आइए। श्री कृष्ण भला महल छोड़कर जंगल में क्यों भटकते रहेंगे? मैं तो देवर्षि का सेवक हूँ। मैं तो इनके लिए रसोई बनाता हूँ, जटा साफ करता हूँ, लंगोटी धोता हूँ और चंपी भी करता हूँ। क्यों मुनिवर, मैं आपका सेवक हूँ कि नहीं? है? सेवक है, अवश्य है, किंतु किंतु क्या? नारद, बुद्धि नाम की वस्तु तुम्हें जन्म से नहीं मिली। ये तंबूरा छोड़ो और घूम घूम कर भीख मांगो। इस चूला फुकंतु को श्री कृष्ण कहते हो? बलिहारी बलिहारी बलिहारी। वाह सेवक राम वाह, पौंड्रक के साथ आपने मुझे भी चक्कर में डाल दिया। पौंड्रक के साथ आपने मुझे भी चक्कर में डाल दिया। भला मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि आप मेरे सेवक नहीं है? नारायण 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 नारायण। Thank you.
जगतपति ना जाने कहां कहां भटकते होंगे, क्या क्या दुख उठाते होंगे। मेरी बहनें सभी पटरानियां भी प्रभु की भी ओगन बन गई। ये सब मेरे ही कारण हुआ। मैं ही दुष्ट हूँ, मैं ही पापी हूँ, मैं ही पापी हूँ। दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, आओ। रुक्मणी, कालिंदी, जामवंती सब एक साथ। कुशल तो है? कुशल कहाँ दीदी, दो दिनों से मेरी छोटी बहन है द्वारका देश के लिए कितनी व्याकुल हो रही है। व्याकुल हो रही है? हाँ दीदी, उनके वियोग में इन्होंने अनजल तक ग्रहण नहीं किया। बड़ी दीदी, जब से वे गए हैं हम एक पल भी चैन नहीं। बड़ी दीदी, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। पता नहीं वे कहाँ खो गए, उन्होंने क्यों हमसे आंखें चुरा ली, वो हमसे रूठकर कहाँ चले गए। देवर्षि नारद जी के साथ। नारद जी के साथ? हाँ दीदी, सब दोष मेरा ही है। त्वरिकाधीश सदा के लिए मेरे बने रहे, इस स्वार्थ में आकर मैंने उन्हें मुनिवर को दान में दे दिया। इतना ही नहीं बड़ी दीदी, नारद जी ने स्वामी के हाथों में अपना तंबूर और खड़ताल थमाकर उन्हें अपना सेवक तक बना लिया है। सेवक? ब्रह्मा के बेटे उस तंबूरे वाले का इतना साहस, मेरे छोटे भाई केशव को सेवक बनाकर ले गया। मैं अभी उसकी चोटी पकड़कर सागर में डुबो देता हूँ। ठहरिए स्वामी, मेरे देवर नंदकिशोर नटखट और नारद जी खटपट, बिना किशन लीला के नारद लीला नहीं हो सकती। सेवक राम। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। रेवती जी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, आप सब वन विहार करने चली आई? ये सब आप ही की कृपा है मुनिवर। आप जब हमारे देवर जी को वन वन में भटका रहे हैं, तब हम सबको आपके पीछे पीछे तो भटकना ही पड़ेगा। नारायण 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 नारायण। देखिए ना, स्वयं नारायण को नारायण के जाप जपने में लगा दिया है आपने, और भिन्न भिन्न सेवाएं करवा कर क्या दुर्दशा बना दी है हमारे स्वामी की। अरे, फूलों की शैया पर सोने वाले हमारे प्रभु ने पता नहीं जंगल में पत्थर कंकरों में कैसे अपनी रात बिताई होगी। ये सब मेरे ही कारण हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि, और हमारे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। स्वामी को मुक्त कर दूं? स्वामी ने स्वेच्छा से हाँ कही है, और तुमने स्वेच्छा से इनका दान दिया है। दान की हुई वस्तु न किसी ने मांगी है और न किसी ने लौटाई है, और ऐसी वस्तु साक्षात प्रभु मेरे अंतर्यामी। प्रभु को पाकर मैं तो धन्य हो गया। नहीं नहीं, मैं नहीं लौटाऊंगा। मेरे प्रभु को मैं नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। अपने सुख के लिए मैंने अपनी बहनों के सुख का तनिक ध्यान न रखा। अपने स्वामी को सुख देने के बदले उन्हें दुख दिया। मैंने बड़ा पाप किया है। मैं अपने इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। प्रभु के बदले आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए, किंतु मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। मुझ पर दया कीजिए देवर्षि, मुझ पर दया कीजिए। सेवक राम, मैं तो केवल सेवक हूँ आपका। नारायण नारायण। सत्यभामा जी, मैं सेवक को नहीं छोड़ सकता। देवर्षि, सत्यभामा को दान का उपाय आप ही ने बताया था, प्रभु को भी मुक्त होने का उपाय आप ही को बताना पड़ेगा। उपाय? हाँ मुनिराज, सत्यभामा के साथ साथ हम सबकी यही प्रार्थना है कि हमारे देवर जी की मुक्ति पाने का उपाय आपको बताना ही होगा। जब तक आप मेरे स्वामी की मुक्ति का उपाय नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। देवर्षि, मैं आपके चरणों में माथा टेक रही हूँ। मुझ पर दया कीजिए देवर्षि, मुझ पर दया कीजिए। उठिए उठिए सत्यभामा जी, केवल एक उपाय है। उपाय बताइए मुनिराज जी। प्रभु को तोल कर इनके बराबर का स्वर्ण मुझे दान कर दो, तो मैं तुम्हारे स्वामी को मुक्त कर सकता। हाँ देवर्षि, सोना क्या, हीरे मोती प्रभु को पाने के लिए मैं सब कुछ आपको दे दूंगी। सोच लीजिए सत्यभामा जी, एक रत्ती भर भी कम नहीं चलेगा। विश्वास कीजिए मुनिवर, कृष्ण को पाने के लिए हम द्वारका का भंडार लुटा देंगे। तो सुबह से शीघ्र हो जाए सोना तुला भारम। Thank you.
लीजिए और लीजिए। देवी हो, लाओ लाओ और स्वर्ण अलंकार। और कहाँ से लाए, हमारे समस्त अलंकार समाप्त हो गए। यह कहने से काम नहीं चलेगा, यदि अपने प्रभु को प्राप्त करना है तो इनके भार के बराबर स्वर्ण देना ही पड़ेगा। कहाँ है तंबूरे वाला, कहाँ है वो खड़तालिया नारद? नारायण नारायण, मैं द्वारकापुरी से बाहर गया और तुम्हारा नाटक आरंभ हो गया। हलधर जी, इस नाटक का सूत्रधार मैं नहीं, सत्यभामा जी है। बहु सत्यभामा का नाम लेकर तुम हमारे हल से बचना चाहते हो? स्वामी, मुनिवर सत्य कह रहे हैं। देवी, तुम भी इनकी कपट भरी बातों में आ गई? बड़े भैया, भाभी और ये सब तो इनकी बातों में आ गई, पर मेरी तो दुर्दशा हो रही है। मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए बड़े भैया। प्रभु चुप रहो। कन्हैया, मैं तुम्हें अभी मुक्त करता हूँ, ना स्वर्ण दान होगा ना दान लेने वाला रहेगा। ठहरिए स्वामी, ठहरिए, आवेश में आकर दान की मर्यादा को भंग मत कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ? जब तक स्वर्ण दान पूर्ण नहीं होगा, मेरी सब छोटी बहनें अपने कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकती। ठीक है, सातकी जो आ गया, राज भंडार से स्वर्ण लाकर स्वर्ण दान पूर्ण कर दिया जाए। दीदी, इतना स्वर्ण रखने पर भी तुला अपने स्थान से एक तिल भी नहीं ली, अब क्या होगा बड़े दीदी? हमारे स्वामी हमें नहीं मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। रुक्मणी, सबने अपने अपने अलंकार दिए, परंतु तुम शांतचित होकर स्वर्णदान देखती रही। क्या तुम नहीं चाहती कि द्वारकाधीश फिर से तुम्हारे हो जाए? दीदी, वो तो अनंत काल से मेरे हैं, किंतु स्वार्थ के तराजू में पवित्र प्रेम को कौन तोल सकता है? कहां ये साधारण सोने के अलंकार, कहां जीवन के आधार, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं, उनके भार के बराबर द्वारकापुरी का सोना तो क्या सारे संसार का सोना नहीं आ सकता। तुम सच्ची कहती हो दीदी, किंतु कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम सब स्वामी के चरणों में फिर से प्रेम और भक्ति के दीप जला सकें। दीदी, ऋषि महर्षि कहते हैं आप तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, केवल आप ही हमारी डूबती नैया को पार लगा सकती है। तुला में रखा हुआ अलंकार और सोना हटा दिया जाए। सैनिकों, मीनाक्षी, छोटी बहन स्वार्थ और द्वेष में अंधी हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सत्यभामा, महादेवी। नारायण नारायण नारायण, धन्य देवी रुक्मणी, धन्य। आज तुमने फिर से ये सिद्ध कर दिया कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। हनुमान जी ने राम नाम लिखकर जल में पत्थर तैरवा दिए थे, प्रभु की प्यारी तुलसी पर श्री कृष्ण नाम लिखकर आज तुमने स्वर्ण दान पूर्ण करवा दिया। देवश्री, आइए भगवत। मैं तो सेवक राम हूँ। नारायण नारायण, सेवक आप नहीं, मैं ही सदा से आपका सेवक हूँ। मुनिवर, आपको दान में मिलने वाला सोना तो गया। सोना? नारायण नारायण प्रभु, जिसने लिया सोना उसका गया सोना, कहा भी तो है, जिसने सोना पाया उसने भी सोना खोया, जिसने सोना गवाया उसने भी सोना गवाया। प्रभु, ब्रह्मचारी के लिए तो
यह तुलसी पत्र अनमोल है, मैं इसे ग्रहण करता हूं। देवियों संभालिए, संभालिए अपने नाथों के नाथ द्वारिका नाथ। स्वामी। देवियों सावधान, प्रभु उसी के होते हैं जो निष्कपट भक्ति, निष्काम प्रेम और निस्वार्थ लगन से इनकी सेवा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। हे भगवान, इसका शरीर तो अग्नि सा तप रहा है। स्वामी स्वामी पाठ बाद में कीजिए, पहले जाकर वैद्य जी को बुला कर ले आइए। वैद्य जी? हाँ। किंतु उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। वैद्य जी बड़े दयालु है, सोच क्या रहे स्वामी, जाइए जाइए वैद्य जी को बुला कर ले आइए। ठीक है। ओहो कृष्ण भक्त सुदामा जी, अरे ये अस्त व्यस्त दशा में मुंह लटकाए हुए कहां जा रहे हैं? मैं वैद्य जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। अच्छा हुआ आप मिल गए, उस डुबते को किनारा मिल गया। शीघ्र चलिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। बच्चा बीमार है? अरे कंगाल सुदामा, तुम्हारे बच्चे की बीमारी का कारण है भूख, दरिद्रता, निर्धनता। क्यों वैद्यराज? सत्य वचन, भगवान पौंडरक के परम भक्त श्रीमान प्रचंड देव जी सत्य कहते हैं। सुदामा, तुम्हारे बच्चे की बीमारी का मेरे पास कोई उपाय नहीं। क्या कोई उपाय नहीं है? मात्र एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए प्रचंड देव जी। अपने कृष्ण को भूलकर महाराज पौंडरक को अपना भगवान मान लो, तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता निर्धनता सब मिट जाएगी। हाँ कह दो सुदामा, हाँ कह दो, और चलो मेरे साथ भगवान पौंडरक के चरणों में अपना शीश झुका दो। सुदामा अपना शीश झुका दो। कदापि नहीं, मेरा शीश मेरे प्रभु द्वारकाधीश के अतिरिक्त किसी के चरणों में नहीं झुक सकता। नहीं झुक सकता? तो कान खोल कर सुन लो सुदामा, आज तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। यदि तुमने महाराज पौंडरक को अपना भगवान नहीं समझा तो कल तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे पानी की एक एक बूंद के लिए तरस तरस के मर जाएंगे। हाँ, स्वामी अकेले आए, लगता है हमारे दुर्भाग्य ने वैद्य जी के हृदय से भी दया छीन ली। इस दुर्भाग्य को जन्म देने वाला मैं ही हूं सुशीला। मैं बचपन में अपने प्रभु श्री कृष्ण के भाग के चने खाता, न गुरु माता श्राप देती, न मेरे बच्चे भूखों मरते। इस सब का कारण मैं ही हूँ सुशीला, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मेरे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। उन्हें प्रभु के पास चाहिए जो आपके बाल सखा है। श्री कृष्ण के पास? हाँ नाथ, मैंने पहले भी कई बार प्रार्थना की, आज भी करती हूँ। आप द्वारकाधीश के पास जाइए, सब दुख दूर हो जाएंगे। नहीं सुशीला, मैं भी बार बार कह चुका हूँ कि मैं अपने बाल सखा के सामने हाथ नहीं पसारूंगा। किंतु आपके बाल सखा साधारण नहीं, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, उनके सामने हाथ पसारने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तुम कुछ भी कहो, मेरा मन नहीं मानता। मेरा निश्चय है मैं नहीं जाऊंगा। मत चाहिए, किंतु भूख के कारण मेरे बच्चे घूट घूट के मरे, यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। यदि आपको अपनी हट पूरी करनी है तो इससे पहले अपने हाथों अपने बच्चों का गला घोट दीजिए, इन्हें मार डालिए। सुशीला, यह आपसे नहीं होगा। ठीक है, आओ बच्चों, आओ। इनके साथ साथ मैं भी अपने प्राण दे दूंगी, आज मैं मृत्यु को गले लगा कर ही रहूंगी। चलो। ठहरो सुशीला, ठहरो, मैं द्वारकापुरी जाऊंगा। जाएंगे? आप द्वारकापुरी जाएंगे? किंतु मेरे मित्र के पास, मेरे बाल सखा के घर, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं?
खाली हाथ? नहीं नहीं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं अभी आई। सुशीला ले चावल पकाकर अपने बच्चों को खिला देना। ले, ले, ले। ले, ले, ले। अरे संभल गोरी बहन। स्वामी लीजिए चावल मेरी ओर से, अपनी बाल सखा को भेंट स्वरूप दे देना। लीजिए और उन्हें उन्हें हम सबका प्रणाम कह दीजिएगा। हाँ कह दीजिए, हमारा भी प्रणाम। स्वामी चावल हाथ में माला, नाम हरि का नित्य भला, पत्नी के हठ के कारण श्री कृष्ण से मिलने सुदामा चला, पांव थे नंगे राह में कांटे, विघ्नों की परवाह गिरा पत्थर पर, लेकिन मुंह से आह न की, लेकिन मुंह से आह न की, दर्श के प्यासे नैन पांव चलते ही जाते हैं, दर्श के प्यासे नैन पांव चलते ही जाते हैं, कृष्ण सुदामा के जीवन की झलक दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अरे ओ भिखारियों के राजा, राजभवन है, भिखारियों का खाना नहीं। कहाँ घुसे जा रहे हो, क्या विचार है? भाई प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा है, कृपा करके प्रभु से भेंट करा दीजिए, मैं प्रभु का मित्र हूँ। तू कंगाल और द्वारकाधीश का मित्र, हमें मूर्ख समझता है? चल चल हट यहाँ से। भाई भाई मैं प्रभु के दर्शन किए बिना नहीं लौट सकता, नहीं लौट सकता। मुझ पर दया करके द्वारकाधीश से भेंट करा दीजिए, सचमुच मैं प्रभु का मित्र हूँ। चल दूर हो जा, प्रभु को मित्र करने वाला। द्वारकाधीश के द्वार पर इतना कठोर व्यवहार, क्या अपराध है इनका? केवल दरिद्रता और ये दीन दशा ही मेरा अपराध है। महाशय जी, मैं बहुत दूर अपने गांव से पाव पाव बाल सखा प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन पाकर अपने जीवन को धन्य करने यहां आया हूं। यदि प्रभु के दर्शन नहीं हुए तो हो सकता है मेरे प्राण भी छूट जाए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पाव पड़ता हूं, मेरी विनती प्रभु श्री कृष्ण से पहुंचा दीजिए और प्रभु से कहिए आपका बाल सखा आपके दर्शन के लिए आया है, नाम सुदामा है। क्या हुआ स्वामी? मेरा पांव काटा। राजभवन में काटा कहां से आया? ये भी लीलाधारी की अवश्य कोई लीला होगी। द्वार का धीश की जय हो। प्रभु द्वार पर एक दीनहीन का गाल आपके दर्शन का इच्छुक आया है, कहता है मैं प्रभु का बाल सखा हूँ, प्रभु से भेंट करना चाहता हूँ, नाम है सुदामा। सुदामा आए हैं? मित्र सुदामा,
मेरे बाल सके सुदामा। सुना आगमन मित्र का दौड़े कृपा निधान, चकित रह गई रानिया कौन आया मेहमान। देख सुदामा द्वार पर झूम उठे यदुराय, बाह बढ़ाकर मित्र को हृदय से लिया दृश्य। अंबर झूमे और धरती गाएगी, बरसों बाद मिले हैं दोनों ये बचपन के मीत, ये बचपन के मीत। बाल सखा से मित्र कृष्ण जब जी भर कर मिल गए गले, बाल सखा से मित्र कृष्ण जब जी भर कर मिल गए गले। हाथ पकड़ कर अपने मित्र का अंतःपुर की ओर चले, अंतःपुर की ओर चले। आ रहे सुदाम पंथ रानियां सवार थी, गुलाब जल उछालती जमीन पे फूल डालती, सुदामा को कभी तो कृष्ण को कभी निहारती, बट रानियों के संग रुक्मणी उतारे आरती। द्वारका को आए हैं सुदामा अपने काम से, हो रहा है मित्र घर समान धूमधाम से। आओ मित्र सुदामा विराजो। मैं? हाँ हाँ सिंहासन पर विराजो, आओ विराजो, आओ विराजो ना। अरे अरे ये क्या? नहीं नहीं प्रभु मैं यही ठीक हूँ। हाँ अरे सुदामा तुम मेरे मित्र हो और मित्र का आसन सदा सबसे ऊंचा होता है। उठो 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 नहीं नहीं उठो उठो सिंहासन पर विराजो। हाँ देवियों मैं अपने मित्र सुदामा के चरण धोना चाहता हूँ, तुरंत सामग्री ले आओ। जो आ गया? प्रभु, नहीं नहीं प्रभु नहीं। हाँ मित्र, मित्र, मैं अभागा सदा दूसरों का ही कार्य करने में लगा रहा, इच्छा होते हुए भी तुम्हारे दर्शन को नहीं आ सका। प्रभु, पर मित्र क्या तुम भी मुझे भूल गए थे जो आज मरण आया? क्या सोच रहे हो सुदामा? क्या सोच रहे हो? उस पल का ध्यान कर रहा हूं जिस पल आपका स्मरण न किया हो। अच्छा अब ये तो बताओ मेरी भाभी और बच्चे कैसे हैं? प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। व्यवहार में पुरुष स्त्रियां अधिक कुशल होती हैं। मित्र भाभी ने मेरे लिए अवश्य कोई भेंट भेजी होगी। क्या छुपा रहे हो मित्र? दिखाओ सुदामा दिखाओ दिखाओ क्या भेजा है मेरी भाभी ने मेरे लिए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कितनी अनमोल वस्तु भेजी है मेरी भाभी ने। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी के पात्र को हाथ छुआ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। जिनका चरणामृत पीने को तरस रहा संसार, वो प्रभु
मित्र सुदामा के लो पाव रहे हैं पखार। स्वयं चरणामृत पीते हैं रानियों को पिलाते हैं, स्वयं चरणामृत पीते हैं रानियों को पिलाते हैं। कृष्ण सुदामा के जीवन की झलक दिखाते हैं, झलक दिखाते हैं। भोजन करो सुदामा। सभी हड्डियां खाली हैं, अब हम क्या खाएंगे? कहां खो गए हो मित्र? लो भोजन करो। प्रभु? प्रभु नहीं, कृष्ण। आप? आप नहीं, तुम। जैसा सुदामा वैसे कृष्ण। प्रभु? प्रभु नहीं, कृष्ण। आप नहीं, तुम। जैसा सुदामा वैसा कृष्ण। लो भोजन करो। वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे सुदामा। आज मित्र मिलन का आनंद आ गया। तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे आशीर्वाद देने यहां चले आए। मैं धन्य हो गया। अंतर्यामी जानकर मित्र हृदय की बात, चावल की वो पोटली खींची अपने हाथ। पहली मुट्ठी जब चावल की प्रभु ने मुंह में डाली, रंग महल बन गई झोपड़ी दीन सुदामा वाली। और दूसरी मुट्ठी का जब प्रभु ने भोग लगाया, अनधन से भंडार भरा अपना ऐश्वर्य लुटाया। और तीसरी मुट्ठी पर रुक्मणी ने पकड़ी बाह, कहा प्रभु क्या तुम्हें हुई निज लक्ष्मी की अनचाह। कैसी माया आपकी, ये कैसा है सुदामा, आप ही होत सुदामा आप। एक और लक्ष्मी पति एक और कंगाल, खूब निभाई मित्रता धन्य धन्य गोपाल। द्वारकानाथ की हम लीला दर्शाते हैं, प्रभु द्वारकानाथ की हम लीला दर्शाते हैं। कृष्ण सुदामा के जीवन की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। कृष्ण।
द्वारकाधीश, आपने भक्त की लाश रख ली, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। क्या? उस गवाले ने दरिद्र और भिखारी सुदामा को एक ही रात में धनवान बना दिया, उसकी झोपड़ी को राजमहल में बदल दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। झूठ नहीं, सच है प्रभु। क्या महल है, क्या आंगन है, क्या ठाट बाट है। हाँ हाँ। चुप रहो। अजय चुप कहते रहे, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं। फोड़ डालो अपनी आंखों को। तुमसे कह रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, किसी की आंखें फोड़ने से सत्य असत्य नहीं बन सकता। नारद, आपको बल और शक्ति दिखानी है तो मुझे नहीं द्वारकाधीश कृष्ण को दिखाओ, जो स्वयं भगवान है। भगवान वो नहीं, भगवानों के भगवान हम हैं। नारद, आज तुम्हें भी हमें भगवान कहना होगा। नहीं, कदापि नहीं, अनंत काल तक नहीं। नहीं। कहां गया? चला गया चोटी वाला, भाग गया तंबूरे वाला। जय विजय प्रभु। दूर द्वारा कृष्ण और उसके भाई बलराम को हमारी चुनौती दे दो। मैं तुझे चुनौती देता हूँ, तू अपने आप को सुदर्शन चक्रधारी और वासुदेव के नाम छोड़कर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो युद्ध कर। पौंड्रक वासुदेव। और हमारे भगवान ने यह भी कहा है, मैं रक्षक हूँ, कृष्ण भक्षक है, मैं महान हूँ, किस नीच है कायर है। मेरे भाई को नीच और कायर कहने वाले नकली वासुदेव के दूत, मैं अभी तेरी कपाल क्रिया कर देता हूँ। ठहरिए भैया, अनर्थ हो जाएगा, ये राजदूत है। और मैं इसका काल दूत हूँ, मेरे भाई का अपमान करने वाला एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दुर्वचन कहने वाली इसकी जीप खींच लूंगा, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया, दूत को मारना राजनीति के विरुद्ध है। किंतु रणनीति कहती है कि ऐसी राजनीति को ठोकर मारकर शत्रु की चुनौती स्वीकार करो। मैं बड़े भाई शेषावदर के साथ दुष्ट पौंड्रिक की चुनौती स्वीकार करता हूँ। भूमि में पता वो अपने आप को भगवान कहलाने वाला गोकुल का गवाला कहाँ है? बांसुरी की तान पर गोपियों को ले जाने वाला वो भाट कहाँ है? हमारी चुनौती स्वीकार करके अपना मृत्यु घंट बजाने वाला वो मोर कृष्ण कहाँ है? पौंड्रक, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा निमंत्रण पाते ही उपस्थित हो गया हूँ। तू? तूने ही जंगल में एक बार हमें पानी पिलाया था। तंबूरे वाले नारद के चूल्हा फुकंतो, तू यहाँ कैसे? अरे दुष्ट पौंड्रक, अपनी आंखों से पाप का पर्दा खोल दे और देख ले, यही है भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने कालिया नाग को वश में किया था, बकासुर का वध किया था, वीर और पराक्रमी कंस की जीवन लीला समाप्त कर दी थी, शत्रुओं का दमन करने वाले, गोपियों के साथ रास लीला करने वाले, यही है भगवान श्री कृष्ण। यदि तू जीवन चाहता है तो इनके चरणों में शीश झुकाकर क्षमा मांग और भाग जा। मैं भाग जाऊं? कहो, हमें भगवानों में भगवान, देवों में देव, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव समझकर हमारे चरणों में झुक जाओ और जाकर संसार से कहो कि भगवानों में भगवान, देवों में देव, पौंड्रक कृष्ण वासुदेव हम हैं। कृष्णा का झूठा स्वांगर जाने वाले, आज मैं तेरा भंडा फोड़ कर रहूंगा। बलराम, काशी नरेश के होते हुए भगवानों में भगवान, देवों में देव, पौंड्रक श्री कृष्ण वासुदेव का तुम एक बार भी बाका नहीं कर सकते। काशी नरेश, मृत्यु तुम्हें भी जा तक खींच लाई? पौंड्रक के चापलूस, आज तुझे युद्ध का अनंत चुकाकर अनंत लोक में भेज दूंगा। मेरे जीवित रहते हुए कृष्ण के नाम से संसार को धोखा देने वाले ओ ग्वाले नारद के चूल्हा फुकंतो, मैं तुझे अभी मृत्यु लोक पहुंचाता हूँ। सच और झूठ की परख अब भी हो जाएगी। सावधान। Yeah.
तो मिलेगा ही। दया सागर, विष्णु के अवतार पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण केवल आप ही हैं। मैं पापी हूँ, अधम पापी हूँ प्रभु। बचपन से ही लोग मुझे वासुदेव वासुदेव कहते थे। मेरा रूप आप जैसा है, ऐसी झूठी प्रशंसा करके उन्होंने मेरे मन में अभी बाल के बीज बो दिए। विष्णु का चतुर्भुज रूप देखकर प्रभु मैंने भी तो झूठे हाथ लगा लिए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मैं अपने आप को देवों में देव पंडर कृष्ण वासुदेव कहलाने लगा और मैं एक अद्भुत पापी बन गया। प्रभु दया सागर, आपके हाथ से मृत्यु पाने वाला मोक्ष प्राप्त करता है यही जानकर पहले आपसे संग्राम थाना है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपने चरणों में ले लो प्रभु, मुझे मुक्त कर दो प्रभु, मुझे अपने चरण में ले लो। अंतर्यामी, तेरी अंतिम प्रार्थना है कि अपने विराट स्वरूप के दर्शन देकर मुझे मुक्ति दे प्रभु, मुझे मुक्ति दे। सो हम